अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरी चैनल में आपको वेलकम करते हैं और हमारी आज की जो छोटी सी कहानी है उसका अनुमान है अकलमंद बुढ़िया। जी हाँ, अकलमंद बुढ़िया इस कहानी का अनुमान है। आप हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। एक आलम ने एक बुढ़िया को चरखा काटते देख कर फरमाया कि ऐ बुढ़िया, सारी उम्र चरखा ही काटा या कुछ अपने रब की पहचान भी की? बुढ़िया ने जवाब दिया कि बेटा, सब कुछ इसी चरखे में ही मैंने देख लिया। फरमाया, बड़ी भी ये तो बताओ, खुदा मौजूद है या नहीं? बुढ़िया ने बहुत कमाल जवाब दिया कि हाँ, हर घड़ी और दिन रात हर वक्त खुदा मौजूद है। आलम ने फरमाया, मगर इसकी दलील क्या है तुम्हारे पास? बुढ़िया ने जवाब दिया कि दलील यही मेरा चरखा है। आलम ने पूछा कि वो कैसे? बुढ़िया बोली, वो ऐसे कि जब तक मैं इसे चलाती रहती हूँ ये बराबर चलता रहता है, और जब मैं इसे छोड़ देती हूँ तो ये ठहर जाता है। तो जब इस एक छोटे से चरखे को हर वक्त चलाने वाले की ज़रूरत है, तो ज़मीन व आसमान, चांद सूरज के इतने बड़े बड़े चरखों को चलाने वाले की कैसे ज़रूरत नहीं होगी? बस जिस तरह मेरे इस काठ के चरखे को एक चलाने वाला चाहिए, इसी तरह चांद सूरज, ज़मीन व आसमान के चरखों को भी एक चलाने वाला चाहिए। जब तक वो चलाता रहेगा तब तक ये चलते रहेंगे, और जब वो चलाना छोड़ देगा तब ये ठहर जाएंगे। लेकिन हमने कभी भी चांद सूरज और ज़मीन व आसमान को ठहरते नहीं देखा, तो ये इस बात का सबूत है कि इनको चलाने वाला हर वक्त और हर घड़ी मौजूद है और मुसलसल इनको चला रहा है। आलम साहब ने सवाल किया कि अच्छा ये बताओ कि ज़मीन व आसमान का चरखा चलाने वाला एक है या दो? बुढ़िया ने जवाब दिया कि एक ही है, और इस दावे की दलील भी यही मेरा चरखा ही है, क्योंकि जब मैं अपनी मर्ज़ी से इस चरखे को एक तरफ चलाती हूँ तो ये चरखा मेरी मर्ज़ी के मुताबिक एक ही तरफ चलता रहता है, और अगर कोई दूसरी चलाने वाली भी होती फिर या तो वह मेरी मददगार बनकर मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चरखा चलाती तो भी चरखे की रफ़्तार तेज़ हो जाती, और अगर रफ्तार में फ़र्क आ जाए तो मतलूबा नतीजा हासिल नहीं होता, और अगर वो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरे चलाने के मुखालिफ सम्त चरखा चलाती तो ये चरखा कभी न चलता और टूट जाता, मगर ऐसा नहीं होता। और यही इस बात का सबूत है कि कोई दूसरी चलाने वाली नहीं है। इसी तरह ज़मीन व आसमान को भी कोई दूसरा चलाने वाला होता तो लाजमी बात है कि इस आसमानी चरखे की रफ़्तार कम ज़्यादा होकर दिन और रात के निज़ाम में फ़र्क आ जाता, या ये निज़ाम चलने से रुक जाता, या ये निज़ाम टूट जाता। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये बात भी साबित हो गई कि ज़मीन व आसमान के चरखे को चलाने वाला भी एक ही है। सीरत सालेहीन, सफ़ा नंबर 3। दोस्तों, दुनिया की हर चीज़ अपने खालिक के वजूद और उसकी यकताई पर शाहिद है, लेकिन इसके लिए अक्ल सलीम की ज़रूरत है।